अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आज की रेसिपी है चना चाट और ये थोड़े डिफरेंट स्टाइल में मैं बनाऊंगी और बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार चना चाट की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने लिए हैं, ये 250 ग्राम हैं और मैंने इसमें रात में सोडा डालकर भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने इन्हें उबाल लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ़्ट होने चाहिए इस तरह से। इसके अलावा चना चाट में जो चीज़ें शामिल होंगी उसमें मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और चॉप कर ली है, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है और ये भी चॉप कर लिया है, और हरी मिर्चें ली हैं हसबे ज़रूरत और ये मैंने बारीक इसकी कटिंग कर ली है। एक अदर दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया है और उसकी कटिंग करके उसमें थोड़ा सा जर्द रंग डालकर मैंने बॉईल कर लिया है। इमली की मैंने चटनी बनाई है, इमली की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें इस चटनी में मैंने क्या चीज़ें शामिल की हैं, इसमें मैंने इमली का पल्प लिया है और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालकर मैंने थोड़ी देर इसको पका लिया है। अच्छा, चनों में मैंने उबालते वक्त थोड़ा सा नमक शामिल किया था तो मैं अब इसमें नमक शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसमें इमली का पानी शामिल करूँगी और चाट मसाला शामिल करूँगी तो चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है चाट मसाला एक चाय का चमचा या हसबे ज़रूरत। उसके अलावा जो दूसरा मसाला है ये मेरा होममेड मसाला है जो ख़ास तौर से चना चाट में शामिल किया जाता है। इसमें मैंने ज़ीरा, साबुत धनिया और लाल साबुत मिर्च लेकर हल्का सा गरम करके इन चीज़ों को भून कर पीस लिया है, थोड़ा सा मैंने इसको कुटा हुआ पीसा है, बारीक ग्राइंड नहीं किया है। इसके अलावा चना चाट में जाएगा दही, हरा धनिया मैंने धोकर बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी और आखिर में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है, ये भी मैं आखिर में इसमें शामिल करूँगी। और चनों में जो एक स्पेशल चीज़ होती है वो होती है पापड़ी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे ये सेव लिए हैं, ये थोड़े से डिफरेंट टेस्ट के सेव होते हैं। और इसके अलावा मैंने थोड़ी सी मिक्स नींबू ली है। तो अब चना चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। अब चाट मसाला और ये जो दूसरा मसाला था वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मसाले आप अपने हसबे ज़रूरत ले सकते हैं। आलू इसमें शामिल कर दूंगी, ये इमली की जो चटनी बनाई थी वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी हसबे ज़रूरत। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूंगी, अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छा, एक बात और है, जो चने मैंने बॉईल किए थे और उसका जो पानी था वो भी मैंने इन चनों में शामिल किया है।
ताकि बिल्कुल ही ये चना चाट सूखी सूखी सी ना लगे, बिल्कुल ड्राई ना लगे, थोड़ा सा इसमें पानी मौजूद रहे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। खाना बनाते वक्त कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रखती हैं। सबसे पहले खाना जब आप किसी के आगे पेश करते हैं तो खाने का लुक बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। वेजिटेबल वगैरह की जब कटिंग करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी कटिंग बहुत अच्छी तरीके से हुई हुई हो, और खाने का लुक इम्पोर्टेंट रखता है, खाने की खुशबू बहुत इम्पोर्टेंट रखती है, और उसके बाद फिर खाने के टेस्ट की बारी आती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तीनों चीज़ें खाने को मज़ेदार और डिलिशियस बनाती हैं। जब भी आप खाना बनाएं तो इन तीन चीज़ों की खूबसूरती का ख्याल रखें, तो यकीनन आपके खाने भी लोग बड़े मज़े से खाएंगे और आपकी बड़ी वाहवाह होगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको एक दूसरे ढोंगे में निकाल लूँगी। ये थोड़ा खुले मुंह का डोंगा है, इसमें मैं जब गार्निशिंग करूंगी तो तमाम चीज़ें इसमें वाज़ा तौर पर नज़र आएंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ, अगर इसमें किसी चीज़ की कमी है तो मैं इसमें शामिल करूँगी। टेस्ट तकरीबन परफेक्ट है मेरे हिसाब से। थोड़ी सी मैं इसमें इमली की चटनी मज़ीद शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। ये दही मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब जो ये ग्रीन चिली सॉस है वो मैं इसमें थोड़ा सा शामिल करूँगी, आप हसब ज़रूरत ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, अब जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं चना चाट के साथ मस्ट होना चाहिए, अब मैं इसमें ये चीज़ें शामिल करूँगी। थोड़ी सी इसमें नींबू शामिल कर देती हूँ। और आखिर में आ जाती है पापड़ी। जी तो ये बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी चटखारेदार चना चाट बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको ये चना चाट बहुत पसंद आएगी, घर पर बनाएं और मज़े से खाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें, ऑल के बटन पर, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।